अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब हम भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में। और अभी आज का दिन जो है, आज हम लोग जाने वाले हैं वैक्सीनेशन करवाने। और वैक्सीनेशन करवाने के लिए जो है ना, हम लोग जाएंगे। उससे पहले अभी मेहमत को स्कूल छोड़ना है, तो मैंने सोचा यहाँ पे पहले इंट्रो रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि अभी मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। कपड़े प्रेस करने के बाद हम जल्दी से रेडी होते हैं। पता नहीं मैं बाकी दिन में क्या रिकॉर्ड कर पाऊँगी, क्या नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी। तो देखते हैं कि आज का दिन कैसे रहता है और वैक्सीनेशन के बाद हमारे क्या हालात होते हैं। क्योंकि नॉर्मली लोग जो है ना, वो यही कहते हैं कि भाई वैक्सीनेशन के बाद बुखार वगैरह हो जाता है। तो ये तो नॉर्मली ये बिल्कुल नॉर्मल बात होती है। क्योंकि जब मेहमत को भी वैक्सीनेशन हम बच्चों को भी करवाते हैं ना, तो वो बुखार उनको हो ही जाता है नॉर्मली। तो लेट्स सी। और मुझे टेंशन भी हो रही है कि अगर मैंने और आदिल ने दोनों ने वैक्सीनेशन करवा ली, तो बाद में मेहमत को कौन संभालेगा। तो बस आज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या रिकॉर्ड कर पाते हैं, और आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखनी है। और आज हमें एक ज़रूरी काम भी है जो हम लोग करने जाने वाले हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो जल्दी से मेहमत को स्कूल छोड़ने के बाद हम लोग आ गए थे मेडिकल कॉलेज। हमने सोचा हम यहाँ से वैक्सीनेशन करवा लेंगे, क्योंकि बहुत सी वैसी जगह ऐसे ना स्टेशन बन गए हैं जहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन हो रही है। और अब ये ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब तो जब मेन चीज़ आई थी ना कि पेट्रोल नहीं मिलना, तो जनाब अब हर बंदा लगवाने पे मजबूर हो गया हुआ है। तो अब हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पे अभी उनका स्टाफ भी नहीं आया हुआ था, रश भी बहुत ज़्यादा था, तो हमने सोचा यहाँ पे इंतज़ार करने से बेहतर है हम एक्सपो सेंटर चले जाते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग इतना मतलब ऐसे निकले नहीं काफ़ी टाइम से, और कोविड की वजह से तो बिल्कुल भी हम लोग इतनी दूर दूर कहीं पर भी नहीं जा पाते थे। तो यहाँ पर हम एक्सपो सेंटर में आ गए। यहाँ पर भी अभी स्टाफ नहीं आया हुआ था, लेकिन क्या है कि जैसे ही स्टाफ आया, हम लोग विद इन अ 5 मिनट जो हैं यहाँ से फ्री होके चले गए। और ये सारे वो बेड्स लगे हुए हैं जो कि इन्होंने कोविड के दौरान में जब बेड अरेंज किए थे, तो वो कुछ इस तरह से इन्होंने सेट किया हुआ था। तो यहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग फिर निकले। आदिल को, इवन आदिल ने खाना खाया हुआ था, लेकिन आदिल को फिर से भूख लग गई। मेरा बस चाय पीने का दिल चाह रहा था, तो मैंने सोचा चाय पीते हैं। तो आदिल कहते हैं नहीं जी, पहले कुछ खा लें, अभी नाश्ता भी तो करना है। तो फिर हम लोग नाश्ता करने के चक्कर में तकरीबन 2 घंटे हम लोग यूं ही घूमते रहे। हम लोग मॉडल टाउन की साइड पे चले गए, और वहाँ से जब हम लोग आगे निकले, तो इतना सारा मतलब हमें बस वहाँ से मॉडल टाउन से निकलने में हमें इतना टाइम लग गया। फिर उसके गांव वाली साइड पे हम लोग आ गए। तो ये वाला पुल कौन सा है, जिसको पता है वो नीचे मुझे कमेंट में लाजमी बताना। फिर हम यहाँ से हो के तकरीबन हमें 11 बजे मेहमत को स्कूल से लेना था, तो हम लोग ने बस जल्दी से उसके यहाँ से निकल के, तो फिर हम लोगों ने जाके मेन मार्केट से खाए थे सैंडविच खाए। फिर उसके बाद मेहमत को लिया और ड्रॉप किया मामा की तरफ, और उसके बाद हम लोग आ गए दोबारा से बाहर, क्योंकि हमें फिर से काम था। तो पहले पेट पूजा और फिर काम पूजा। फेवरेट पराठा रोल और आदिल हमेशा इस तरह खोल के खाते हैं। खोल क्योंकि जब हम मेहमत को छोड़ के निकले ना, तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो दिल चाह रहा था कुछ मज़े का खाने के लिए। तो फिर हम लोग आगे पराठा रोल खाने। आदिल को एक ये ही ऑप्शन जो है ना सबसे बेस्ट लगती है कि पराठा रोल खाने चले, क्योंकि बारिश हो गई थी और हर जगह पे पानी, मतलब जिस रास्ते में हम जा रहे थे ना, और उसी रास्ते पे इतना पानी खड़ा हुआ था। और ये भी हम लोग वापस आ रहे थे, इससे आगे बहुत सारा पानी खड़ा हुआ था दूसरी रोड पे। तो फिर हम लोग वापसी पे आते हुए लेके क्या आए थे वो आपको बिल्कुल आगे पता चलेगा। और आते हुए फिर हम लोग आइसक्रीम भी ले आएंगे, मामा के एरिया में ना न्यू आइसक्रीम वाले आए हैं, तो न्यू आइसक्रीम आई है। तो ये आइसक्रीम बहुत मज़े की होती है, और उसके बाद जो है इसमें इतनी सारी वो चीज़ें ऐड कर देते हैं ना, मतलब 1 लीटर के डिब्बे में उन्होंने इतना कुछ ऐड कर दिया था, आपको दिखने में भी पता चल रहा होगा। और यहाँ पे मेहमत जनाब अपनी जो है आइसक्रीम लेके, उसको लग रहा था बर्थडे हो रही है, तो मुझे भी केक दे दें। तो यहाँ पे वो अब आगे केक बनाएगा, वो आप लोग आगे देखना ज़रा। और इसके बाद हम लोगों ने सब ने यहाँ पे खाना खाने के बाद आइसक्रीम इंजॉय की। ये आपने क्या लगाया, कैंडल है क्या आपकी? नानो मेहमत की कैंडल जबरदस्त। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये चलने वाली है ना, ये पिघलने वाली है। करो ब्लो करो। अरे नहीं, अरे रुको।
ओके जी, तो आज का जो मेन काम था वो था लैपटॉप लेने जाना। फाइनली हम लोग मेहमत को छोड़ने के बाद मामा की तरफ लैपटॉप लेने गए थे, तो लैपटॉप ले आए हैं। इन फ्यूचर इंशाल्लाह कुछ प्लान है तो उसके लिए लैपटॉप की ज़रूरत पड़नी थी, और ये ले आए हैं और आगे आपसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वैक्सीनेशन का वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आदिल कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? किस चीज़ का? ये कल जो इंजेक्शन लगवा के आए हैं। अच्छा, हमें ऐसा लग रहा है ना कि हमें असली लगी नहीं है। हल्का सा बस एक इंजेक्शन लगा था और उसके बाद ज्यादा फील नहीं हुआ हमें। जो लोगों के एक्सप्रेशन थे कि कई लोग कहते चक्कर आ रहे हैं। हाँ, चक्कर नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, वहाँ पे ना एक औरत जो मेरे से पहले बैठी हुई थी ना, इंजेक्शन लगा तो बहुत दर्द हो रही है मुझे। वहम से हो रहा है, मतलब लोग ना वहम कर रहे हैं कि ये वैक्सीन लगवाने से हमें कुछ हो जाएगा। वो कहते हैं कि दो साल दो साल तक देखते हैं, हमारा कुछ होता ही नहीं होता। चले खैर, लगवा लिया। अब मेरा 41 डेज के बाद है और आपका 30 डेज के बाद है।